हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल ईवी पीपल्स में। दोस्तों, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर आपको ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि हम आपके सिस्टम को 1000 गुना 2000 गुना फास्ट कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा प्रोप कमांड ही होते हैं जो कुछ जंक फाइलों या फिर डेम्प्ट फाइलों को डिलीट करके थोड़ा पीसी को फास्ट कर सकते हैं। बाकी सब एक्सेसरीज पे डिपेंड करता है कि आप रैम, एसएसडी कार्ड और ईटीसी एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं तो सिस्टम फास्ट होता है आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये पांच आपके सामने दिख रहे होंगे कमांड जिनका यूज़ करके आप सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। तो शुरू कर दे दोस्तों। हमारे पांच कमांड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये कमांड जो है दोस्तों सभी ओएस में काम करने वाले हैं, 7, 8 और हर ओएस में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो शुरू करते हैं पहले कमांड से जिसका नाम है टेम्प। दोस्तों सबसे पहले आपको विंडो आर प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, फिर टाइप करना होगा आपको टेम्प, पहला कमांड TEMP टेम्प। इंटर करते ही आपको ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें जितने भी इसमें दो दिखाई दे रहे हैं तो आपके साथ ज़्यादा हो सकते हैं, तो सबको आप कंट्रोल ए करेंगे और शिफ्ट के साथ आप डिलीट करेंगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा डाटा। यस करिए। ठीक, उसके बाद अब दोस्तों आपको सेकेंड कमांड करना है %10%। विंडो आर करिए दोबारा, फिर से %10% टाइप कीजिए, इंटर कर दिए। तो देखिए इस पर ज़्यादा आया है, तो इन सबको भी आप कंट्रोल ए कीजिए फिर शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए। डिलीट करते ही ये आपका सारा डाटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। बल्क में से आएंगे, हमारे कम आ रहे हैं, आपको हो सकता है ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो तो सबको आप डिलीट करना है। ठीक है, तीसरा दोस्तों इसी तरह हमारा आएगा प्रीफेच, जिसको भी टाइप करिए आप विंडो आर, फिर से प्रीफेच, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको सामने ये जो पॉपअप आएगा फिर से, इसमें आप देखिए इसको भी कंट्रोल ए कीजिए। ये भी देखिए बल्क में आया हुआ है, इसको भी आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे डाटा को, ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगला कमांड दोस्तों है आपका क्लीन MGR। तो विंडो आर करिए फिर टाइप कीजिए क्लीन MGR। ठीक है दोस्तों, अब पॉपअप आएगा सी ड्राइव का, ओके कीजिए। दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान से आप कि यहाँ पे आपको टिक करना होगा, जो पॉइंट्स आ रहे हैं सबको टिक कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका रिसाइकल बिन भी इसमें टिक हो रहा है। अगर डाउनलोड का होगा तो उसे अनटिक करिएगा, वरना आपका डाउनलोड भी जो फाइल रहेंगे वो डिलीट हो जाएंगी। और देखिए साइज यहाँ नीचे आपका रहेगा, ओके करिए, यहाँ पर डिलीट करिए। ये जो सी ड्राइव में जो जंक फाइलें हैं वो आपको सब डिलीट हो जाएंगी यहाँ से आपकी। ठीक है, तो ये होने के बाद दोस्तों चौथा पांचवा कमांड हमारा जो है ट्री है, जो प्रोप कमांड की तरह है, और ये रन करेगा कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड, इसके बाद हट जाएगा। दोस्तों अगर आप स्क्रीन पे ट्री फास्ट हटा, 1 सेकंड के अंदर हट गया, तो सोचिए सिस्टम का काफ़ी बेहतर हो रहा है। इसी तरह 2-3 बार ट्राई कर सकते हैं आप ट्री कमांड को। अगला कमांड दोस्तों है आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इस टाइप कीजिए, आपको विंडो जाकर विंडो बटन में जाइए और फिर आपको टाइप करना पड़ेगा आपको यस वैसे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, एंटर कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन आ रहा है बूट का, बूट पे जाना है आपको। बूट पे जाने के बाद एडवांस सेटिंग जाइए दोस्तों आप यहाँ पर, और यहाँ पे दोस्तों टिक कीजिए, नीले वाला टिक नहीं रहेगा, आपको टिक करना है और सबसे बड़ी संख्या को, बड़े नंबर को आपको टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, टिक करके बड़े नंबर को, और आपको सीधा नीचे आना है और आकर सीधा ओके करना है आपको। आपको ध्यान देना है जो भी बड़ा नंबर हो, आपके 4 हो 5 हो 6 हो, जो बड़ा होगा उसको कीजिए, फिर अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए और सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर दीजिएगा। मैं अभी रिस्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा। तो ये जो मैंने कमांड दोस्तों बताए हैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताए हैं आपको। मैंने इसको मैं खुद डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ, उसको मैं डेली करता हूँ। तो दिन भर जितने भी आप सिस्टम में वर्क करते हैं या जो कुछ भी करते हैं ये जंक फाइलों को डिलीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।